दूल्हे का सेहरा पुराना लगता है, दुल्हन का तो जो लड़कियां कहती हैं कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि सबको ट्राई करना जरूरी था क्या? अबे तू यहाँ बैठा है, तेरी बीबी के घर पर वो सांप काट रहा है। वो काट नहीं रहा है। तो क्या हुआ? उस सांप का जहर खत्म हो गया है। हाँ। तो हमारी बीबी से रिचार्ज करवाने आया है। ये बात है तो? क्या है दुकान में? हम ही तो है, कहिए ने। आप मुझे पटाके दिखा सकते हैं? देखिए मैडम, आदमी तो सिर्फ कोशिशें कर सकता है, पटिएगा कि नहीं पटिएगा वो तो आपके हाथ में ना है। लड़की हंसी तो फंसी। गलत है, क्योंकि जब लड़कियां हंसती है ना तो फंसते लड़के हैं। कहाँ घूम रहा है रे काशीनाथ? बस हम बाहुबली है। अरे वो कहते भैया पैसा दिए थे हमारा 100 रुपया काशीनाथ के देवेला, तो करे खोजले चल रहे हैं। तो हम ही ना है काशीनाथ। तो बाहुबली ना है रे। अरे हम ही है यार। देख बाबू, एक दिन ऐसा आएगा ना, पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा, जानवर सब मर जाएगा, पृथ्वी पूरा नष्ट हो जाएगा। तो सर ट्यूशन तो उस दिन छुट्टी रहेगा ना सर? अरे चेन्नई को चेन्नई का है बोला जाता है, इसका मतलब बता तो। गुरुजी वहाँ का लोग लुंगी पहनता है और लुंगी में वहाँ पे चेन नहीं लगाया जाता है, इसलिए बोलता है चेन नहीं है। लड़कियों से अनुरोध है कि आप आंख बंद करके लड़कों पर भरोसा ना करिए। लड़कों से अनुरोध है कि आप आंख खोल के भी लड़कियों पर भरोसा ना करिए। साइंस चाहे जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी ये नहीं पता लगा सकता कि आवाज सुनकर बच्चा सुसु कैसे कर लेता है। ओए, हाँ? थोड़ा बताओ इसमें क्या लिखा है? मुझसे शादी करोगे? पागला गई हो क्या? स्मार्ट लड़का देखा नहीं पीछे पड़ गई। तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का किधर भी दर्द हो तो ये स्प्रे छाटे। हाँ तो कबीर सिंह, तुम्हारे ऊपर ये आरोप है कि तुमने राह चलती लड़की का किस किया है, इसलिए अदालत तुम्हारे ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगाती है। पर जज साहब, मेरे पास तो 2000 का नोट है, कहो तो एक किस और ले लूं। बाबा का नाम बताओ। मेरा नाम पूछोगी? हाँ, चुचर मुचर मुच मुचली जान, ऊंचा अड्डा देली मकान, मेरा नाम है चमेली जान। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हाँ। अरे हम नहीं आए थे आपके पास 2 घंटा पहले इलाज करावे। हाँ। ते आप कहे थे कि तोरा बहुत कमजोरी है। हाँ। फल खाओ छिलके के साथ। हाँ तो खाया था। अरे खाए थे लेकिन पेट तो हमरा। आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी। दे 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 थोड़ा सा दे 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 दे। हाँ लिया। नहीं देगी जाने दो जाओ। मोहब्बत करना है तो दिमाग से करो, मोहब्बत करना है तो दिमाग से करो, दिल तो गधे के पास भी होता है। Oh, no. अगर लोग हम लोग को अलग कर सकते हैं तो हम जहर खाकर हम दोनों मर जाएंगे। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, हम लोग एक बिछड़ के भी नहीं रह पाते हैं। अरे बहुत अच्छा टाइटल भी तो बताओ ना पिक्चर का। भैया दादर में भौजी चादर में। ए, 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 ये भैया दादर में और भौजी फल बेच रहे हैं। हाँ। भौजी को बुखार है इसलिए चादर में। तो आप लोग क्यों कि विचार कितना भी उच्च कोटि का हो, आइडिया कितना भी बड़ा हो, जब तक उसके पीछे असली लोगों की मेहनत और मुशक्कत नहीं लगती, तब तक उस आइडिया का कोई मायने नहीं है। बड़े सुकून से मुझको नींद आती है। मेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादी, खुदा के फजल से हिंदुस्तान अच्छा है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। पीते हो?
मंगा लीजिए। लड़कियां यहाँ कोई डिग्री के मोहताज नहीं होती दोस्तों। अरे जब वो कर डॉक्टर से शादी होता है तो डॉक्टर नहीं, मास्टर से शादी होता है तो मास्टर नहीं अपने आप कहलाने लगती है। अब बताओ कि एक ट्रेन में सिर्फ लड़कियां सफर कर रही है तो उस ट्रेन को क्या कहेंगे? माल गाड़ी। प्यार तुझे करता हूँ, देख मेरी आँखों में, तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में। सुनिए जी, शादी को पहले तो बहुत ही उपहार देते थे, अब काहे नहीं देते हो? बक पागल, कहियो देखी है मछुआरा के जब मछली पकड़ लेता है तो दाना देता है? उता अच्छा हुआ कि घरे के मेल्हारू दारू नहीं पीती, ये तो बिना पीले इतना बक बक करती है तो पी के का यहाँ धरती हिलावेला है। बताओ शादी के वक्त दूल्हे को अकेले घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? उसे लास्ट वार्निंग दी जाती है कि तुम्हारे पास अभी समय है, भागना चाहते हो तो भाग लो। ओ कुत्ते, सुना है मैंने, कमीना है तू एक नंबर का। यही कहते हैं वाले, गलती कर दी मैंने तुझसे मोहब्बत करके। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत। मेरी होने वाली बीवी भी किसी के साथ कसमें खा रही होगी जानू, अब तो हमें बस मौत ही जुदा कर सकती है। तुम्हें कोई तकलीफ? तकलीफ हमें नहीं है। फिर तकलीफ मेरे आदमी को है। तुम शादीशुदा हो? हाँ। लाइन लगाना बेकार। बाल बच्चे हैं? अभी नहीं। चलेगी। रोमांटिक वीडियो बनाऊं? भाई का चक्कर चल रहा है। सैड वीडियो बनाऊं? भाई को किसी ने धोखा दे दिया। तो क्या करूं? बताओ ना क्या करूं? कपड़े फाड़ लूं? तू कुत्ती, तू कमीना, तू कमीनी, मैंने तेरे कपड़े फाड़ दूंगी। देख लड़ाई लड़ाई में ना रोमांटिक बात मत कर फालतू की। शादी से पहले सारा लड़का 4G होता है, शादी के बाद? शादी के बाद बीबी इतना एजी ओजी लोजी सुनोजी करती है ना, ओकरा सारा एमबी खत्म हो जाता है, बाद में बीबी के वाईफाई पे जिंदा रहता है। कैको, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं क्या करी? तुम बोले ना चैन गिफ्ट करो बोल के, उसको मैं चैन गिफ्ट करा तो ब्रेकअप हो गया। इसलिए सिल्वर की थी? नहीं यारो, साइकिल की थी। पता नहीं कौन सा विटामिन है तेरे प्यार में, एक दिन बात नहीं होती है तो कमजोरी महसूस होने लगती है। जो लड़कियां ये बोलती है कि मेरे पीछे तो बहुत लड़के घूमते हैं, उन लड़कियों को ये बात पता होनी चाहिए कि सस्ती चीजों पर ही ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। अरे पतली कमर है, उम्र है 16, तय ओठों पे लाली रे, और रड़ुआ बजाओ ताली रे, आ गई रड़ुओं की साली रे। जान आई लव यू। ऐसा थप्पड़ मारो ना कि रांची में डायरेक्ट गिर बा। तो कमे मरिया लातेहार में काम बा। कहती है कि लड़कों को प्यार व्यार नहीं होता, अजी मैं बताती हूँ सच क्या है। जब लड़कों को शिद्दत वाला प्यार हो जाता है ना, तब उस इंसान के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, ना आज ना। भारत में बच्चे बॉर्नविटा से, महिलाएं फेयर एंड लवली से और पुरुष रजनीगंधा से ही कामयाब होते हैं, बाकी डिग्री विग्री सब वहम है। ऐसे भी ये रामलाल कहाँ रहते हैं? रामलाल मतलब रामलाल के यहाँ जाना है तो कोई काम होगा आपको? आई लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और की तरफ देखती भी नहीं हूँ। आई लव यू सो मच। ये ले सुन, शादाब आमिर और कासिम तीनों को भेज दे।
क्रिस। यस सर। तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जी सर। दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? घरवाली है सर। वो कैसे? हफ्ते में 3-4 बार मनाना ही पड़ता है। बेइज्जती और बीबी अजीब चीज होती है, गौर फरमाइएगा। बेइज्जती और बीबी अजीब चीज होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरों की होती है। डॉक्टर साहब। हाँ? अरे हमरा एगो बहुते बड़का समस्या है। का समस्या है रे? अरे जब हम कोई आदमी से बात करते हैं तो हमरा दिखाई नहीं देता है। ऐसा कब होता है रे? जब हम मोबाइल से बात करते हैं। पाँच सात मेरे लिए क्या कर सकती हो? जान भी दे सकती हूँ। जान भी दे सकती हो? हाँ। चलो थोड़ा 50,000 रुपया दो तो। अब कहाँ भाग रही हो? आओ। तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी है? नहीं, अनपढ़ है। क्योंकि जब भी एक रोटी मांगता हूँ ना तो मेरी माँ 2 रोटी दे देती है। ओ माँ। ओ सनम, गोलगप्पा खाओगी? लो खा लो, बहुत तीखा है। लो चलो मैं ही खा लेता हूँ।